नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार डिमांड करी थी कि सर आपका जो गांव का घर है वो दिखाइए। आज एकदम नया वीडियो हमारा होने जा रहा है। आप लोगों ने काफी बार डिमांड करी थी कि सर आपका गांव पर जो घर है वो दिखाइए। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा जो गांव है वो है हरदा जिला, और हरदा जिले में एक छोटा सा गाँव है सोडलपुर। तो इस रक्षाबंधन पे हम यहाँ पर आए हुए थे, और बारिश के समय में एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे होता है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, एक बहुत सुंदर सा गार्डन है, और आपको अब शायद मेरे पीछे दिख रहा होगा जो हमारा यहाँ पर घर है। और अभी अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया है, आपने देखा होगा। मैंने ऐप पर भी टॉक सेशन लिया था, आज यूट्यूब पर भी 9 बजे टॉक सेशन होने वाला है, तो वो मैं यहीं से लेने वाला हूँ। हालाँकि यहाँ पर इंटरनेट और बिजली दो बड़ी समस्याएँ हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं और यहाँ से क्लास ले रहे हैं। तो ये एक हमारा बहुत ही प्यारा सा गार्डन के साथ, आप बोल सकते हैं एक फार्म हाउस बोल सकते हैं, जो यहाँ पे सोडलपुर में बना हुआ है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, शायद पता नहीं आपको वीडियो में दिखाई दे रही है नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको पूरा जो हमारा गार्डन है, एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे छतरी बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद है तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये गार्डन और पूरा जो घर है, लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। अगर आपको पुरानी फोटोज़ अगर मैं कभी दिखाऊंगा तो आप उम्मीद नहीं कर पाओगे कि ये इस तरीके से पूरा ये खाली प्लॉट था और जिसको पूरा डेवलप किया गया है। इसकी दो तीन खास बात बताता हूँ। सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये जो पूरा गार्डन का डेवलपमेंट है, या पूरा जो डिज़ाइनिंग है आप बोल सकते हो, ये पूरा हमारे जो पापा हैं उन्होंने ही करा है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक पौधा लगाने से लेकर या एक घास का एक तिनका से लेकर ये जितना भी इतना आप सब देख रहे हो, ये पूरा हमारे पापा और मम्मी ने ही इसको डेवलप किया है। इसके अलावा इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ एक छतरी पूरी बड़ी सी विशाल छतरी बनी हुई है, जिसमें आप हर मौसम में बैठ सकते हो, आराम से यहाँ पे नाश्ते का, चाय पानी का आनंद ले सकते हो। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस तरफ एक कुआँ है जो काफ़ी पुराना है, और अभी भी हम अपने घर में इसी कुएँ का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये एक गाँव का अपना अलग ही एडवांटेज होता है। तो कैसा आपको लगा ये आप बताइएगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा अंदर, थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। ये भी इस घर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है। जब आप यहाँ बैठते हो और सामने पूरा बगीचा होता है तो इसका आनंद ही अलग होता है। तो जनरली जो भी घर पे मिलने आते हैं, सबसे ज़्यादा समय वो यहीं पर बिताते हैं। टेबल चेयर है, ये एक छोटा सा झूला लगा हुआ है, और बारिश में यहाँ का एक आनंद ही अलग होता है, और इसका नज़ारा आप देख ही सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं घर के अंदर, और ये सबसे पहले एंटर करते से ही यहाँ पे हॉल है, ठीक है, और यहीं पे सारे रूम्स बने हुए हैं। इस तरफ बेडरूम्स हैं, इधर किचन है, और जो मैंने नया स्टूडियो बनाया है वो ऊपर बना हुआ है, तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे ऊपर हम छत जो है वहाँ भी चलेंगे, और वहाँ से पूरे गाँव का जो नज़ारा है वो भी देखेंगे। तो आइए हम ऊपर चलते हैं। हाँ, हमारी मम्मी जो हैं कुछ काम से जा रही हैं। क्या चल रहा है मम्मी? अच्छा, भोजन की तैयारी चल रही है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर। यहाँ पे हमने एक टेम्प्ररी अभी स्टूडियो बनाया हुआ है, आपको यहाँ एक ग्रीन पर्दा दिखाई दे रहा होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इससे हम पूरा बैकग्राउंड हटा सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने डिजिटल बोर्ड नहीं लगाया है, आने वाले समय में यहाँ पे हम डिजिटल बोर्ड भी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी समस्या होती है इंटरनेट की और बिजली की। तो आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे हमने क्या व्यवस्था करके रखी है। तो ये एक कैमरा हमने लगाया है, सारी चीज़ें लैपटॉप से यहाँ पे ऑपरेट हो जाती है। एक लाइट लगा के रखा है, ये चेयर है जिसमें मैं बैठूँगा, वहाँ पर एक टैबलेट रखा हुआ है। मतलब ये रूम काफ़ी व्यवस्थित था, लेकिन मैंने मेरे आने के बाद काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है, काफ़ी सारा मैंने यहाँ पर फैला दिया है। और आज मैंने सुबह ऐप पर टॉक सेशन लिया था, वो भी यहीं से लिया था, और आज रात को यूट्यूब पर मैं एक और टॉक सेशन ले रहा हूँ, वो भी यहीं से रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था करी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेट का है। तो जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे हमने इसको कुछ बनाने का प्लान किया है। तो आइए, ये हो गया हमारा टेम्प्रेरी स्टूडियो। यहाँ पे सिर्फ एक रूम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर सीधा छत है, तो वहाँ मैं आपको अभी दिखाने ले चलता हूँ।
और इस घर को बने हुए मुझे लगता है कि करीबन 6-7 साल हुए हैं इसके पहले, क्योंकि हमारे जो पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, ट्रांसफ़र होता रहता था, तो लगभग किराए के मकान में ही रहे, लेकिन उनका मन था रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहना है। और जब हम यहां आते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, गांव का जो एक माहौल है, सारी चीज़ें, तो गांव, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि यहां का आनंद ही अलग है। तो उनका भी कुछ ऐसा ही मन था कि रिटायरमेंट के बाद रहना गांव में ही है, तो इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था करी, अच्छा गार्डन डेवलप किया और बाकी तो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत पर। तो अब हम आ चुके हैं घर के सबसे टॉप पर यानी छत पर, और यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। यहाँ से पूरा हमारा जो सोडलपुर गांव है वो दिखाई देता है, और बारिश के समय में तो बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और शाम के समय गांव की जो एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग ही माहौल होता है, वो भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मेन रोड है जहाँ से आपको हमने दिखाया था, ये हमारे गार्डन का फ्रंट हो गया। इस तरफ, जैसे कई बार मैंने कहा है कि हमारे गांव का जो कान्हा बाबा का मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ मेला लगता है, तो वो इस तरफ है। यहाँ पे कान्हा बाबा का मंदिर है, जो आपको दिखाई यहाँ पे शायद नहीं दे रहा होगा, एक झंडा लगा हुआ दिख रहा है, वो मंदिर है। और ये सामने पूरा गाँव है, यहाँ पे एक और छोटा सा छत बना हुआ है, इस पर भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का अब अंत आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा वीडियो भी, और जो पूरा गार्डन और घर आपको दिखाया, नया स्टूडियो दिखाया, वो भी आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी नई वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।